बलरामपुर दबंगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बेखौफ दबंगों ने उधार सामान ना देने पर दुकानदार युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करके घायल कर दिया। डॉक्टरों ने युवक की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। घटना से पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है। पूरा मामला बलरामपुर जनपद के थाना ललिया क्षेत्र अंतर्गत जोरावर डीह सिरहिया का है, जहां पर राम सहाय ने बताया कि हमारा बेटा दीनानाथ यादव गांव के पूर्व शिवपुरा रोड पर चाय और गुटखा की दुकान करता है। शुक्रवार समय लगभग 4 बजे संदीप पुत्र नियत राम दुकान पर आए और उधार सामान मांगने लगे। बेटे के मना करने पर दबंगई दिखाते हुए मकान में तोड़फोड़ व गाली गलौज करने लगे। तभी संदीप ने फोन करके राजा पुत्र शोभाराम कुमारे पुत्र बेलभद्र को बुला लिया और मेरे बेटे पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से सर पर वार किया, जिससे बेटे के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। क्या नाम है आपका? राम सहाय, कहाँ के रहने वाले हैं? जोरावड्डी। क्या मामला हुआ था आपके यहाँ? हमारे लड़का ने दुकान खोला था, उन्होंने आया सब सामान जबरदस्ती चुरा। कौन कौन थे? संदीप, राम कुमार, राजा, नेत्राम। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? जोरावड्डी। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके पास में राम कुमार हसिया लेकर लड़के के हमारे सर में मार। क्यों मारने लगी? अरे वो उसने कहा मैंने सामान नहीं देंगे। उसके बाद में संदीप ने फोन करके ATF को सबको बुला के हमारे घर पे चढ़ाई करके हमारे लड़के को मारा, हमारा सामान फोड़ डाला सब। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हो गया, लड़का हमारा गिर गया, भाग के मैंने थाने पे गए। लड़का कहाँ है आपका इस समय? बलरामपुरी पर। अच्छा, क्या गंभीर चोटें आई हैं? जी। किससे मारा गया है? हसिया से। अच्छा, हसिया से, धार वाली हसिया। धार वाली हसिया से। हाँ। तो क्या स्थिति है इस समय? गंभीर स्थिति है। अच्छा, इसकी सूचना आपने पुलिस वालों को दी? जी। तो क्या कहा उन लोगों ने, कुछ बताया? अब कार्रवाई करेंगे पुलिस। हाँ, करना अब आप है। क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ? देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।